हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे घर में जो कैक्टस और सकुलेंट्स का कलेक्शन है उसकी सैर आपको कराती हूँ और उनके आपको नाम भी बताती जाऊँगी। ये जो मेरे पास कैक्टस और सकुलेंट्स हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी। और आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्रैसुला कैंप फायर की। देख रहे हैं आप, इसके कलर से ही इसका नाम का पता चल रहा है ना। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके ना कलर्स और ज़्यादा डार्क होते जाते हैं। क्रैसुला कई तरह के होते हैं, मेरे पास हैं 3-4 तरह के, वो आपको मैं सारे दिखाती हूँ, है ना। तो ये भी क्रैसुला की ही एक वेराइटी है। इसके पत्ते अलग हैं, आप देख रहे हैं किनारे पर रेड स्ट्राइप है। और एक और दिखाती हूँ क्रैसुला आपको, ये देखिए, ये एक और क्रैसुला है। अच्छा लग रहा है ना। ये जो इसमें आपको ये लाल वाला दिख रहा है, ये भी क्रैसुला की ही एक और वेराइटी है। तो क्रैसुला आपको मैंने कई दिखाया, ये जो दिखा रही हूँ ये भी क्रैसुला ही है, देखिए आप, है ना। तो ये कई प्रकार के हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रैसुला बहुत आसानी से लग जाने वाले प्लांट्स हैं, सकुलेंट्स हैं। और इनके लिए जो सॉइल बनाई जाती है कैक्टस और सकुलेंट की, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उससे आप इसकी स्पेशल सॉइल देख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वो बहुत आसानी से लग जाते हैं हमारी नॉर्मल वेल्डन सॉइल में। तो आपको दिखाती हूँ कि उनके नाम भी बताती जा रही हूँ। मैंने आपको सारी क्रैसुला की वेराइटी दिखाई, अब मैं दिखाती हूँ आपको सीडम। ये जो देख रहे हैं आप, ये है सीडम, सीडम रेड। ये ऐसी रेड हो जाती है बिल्कुल, अब पूरा गमला भर जाता है। अभी तो इस बार गर्मियाँ बहुत हुई ना, तो काफ़ी लोग इसमें से ले भी गए थे, तो अभी ये इतना बचा है, है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी सीडम ही है। ये एक्चुअली पीछे ओले पड़े, बारिश पड़ी तो ना काफ़ी गिर गया था। ये मेरी हैंगिंग बास्केट है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो उसमें से कई डालियाँ गिरी तो इधर उधर मैंने लगा दी थी, तो ये लग गई हैं वैसे। तो ये है फ्रेंड्स इसकी हैंगिंग बास्केट, देखिए अच्छी है ना। इसको फॉक्स टेल बोलते हैं, है ना, देखिए आप। और बहुत सारी इसकी डालियाँ थी, ओले और बारिश हुई ना तो बहुत गिर गई काफ़ी नीचे, और बड़ी मतलब बड़ी केयर के साथ मैंने इसको डेढ़ दो साल में इतना कर पाई थी मैं। अभी फिर हो जाएगा, देखिए फिर, है ना। इनकी जितने भी मैंने ये सकुलेंट्स लगाए हैं ये सब स्पेशल सॉइल में लगाए हुए हैं, तो वो लिंक में से आपको देखना चाहिए सॉइल का। ये देखिए, ये हैं स्ट्रिंग ऑफ बनानास, और ये भी सकुलेंट की ही है वेराइटी। और देखिए ऊपर से टोकरी ज़्यादा अच्छी दिखती है ना। और ऐसी इसमें ये लटकी हुई थी, ये ओलों में बारिश में इतनी गिरी समझिए एक कटोरी भर के निकली। अब मैंने उन्हें लगा तो दिया है, देखिए कितनी बचती हैं वो, क्योंकि बीच में दो बार हो चुकी ओले बारिश। ये वाली जो सकुलेंट है बहुत सुंदर है, है ना, देखिए कितने लंबे लंबे इसके लटक रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये वाला जो कैक्टस है फ्रेंड्स, ये मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन ये मैंने ऑर्डिनरी वेल्ड्रेन सॉइल में ही लगाया हुआ था जिसमें रेत ज़्यादा थी, समझिए 40% इसमें सैंड थी और 30% इसमें कंपोस्ट और गार्डन सॉइल थी। इसमें पत्तियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, यूफोर्बिया मिली जैसी। और इसको मैं लेकर आई थी कि इसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग वगैरह लगाने के लिए लाई थी, इसलिए इसको बड़ा कर रही हूँ। तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो विंटर्स में इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं, लेकिन इसमें पत्तियाँ भी होती हैं थोड़ी थोड़ी। ये वाला जो कैक्टस आप देख रहे हैं ये मुझे बेहद सुंदर लगता है। ये अभी 1.5-2 साल पुराना हो गया है और इसका नाम है फेयरी कैसल कैक्टस, है ना। बॉटनिकल नेम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये फेयरी कैसल के नाम से जानते हैं। और दूर से देखिए पे देखने में ऐसे ही दिखता है जैसे कैसल जैसा, है ना। तो अभी ये सब रिपोर्टिंग के लिए हो रहे हैं, सब ओवरग्रोन हो गए हैं। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है कि कुछ करते में ना, एक तो दिन भी छोटे होते हैं तो काम पूरा हो नहीं पाता। तो ये फेयरी टेल कैक्टस है, और ये भी सीडम की ही एक वेराइटी है, आई थिंक ब्लू बेल है शायद इसका नाम। ये वाला जो कैक्टस है ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, और इसका नाम है रैट्स टेल कैक्टस। और अभी इसको मैं किसी फ्रेंड के यहाँ से मैंने छोटी सी ब्रांच लेकर आई थी। फ्रेंड्स, कैक्टस वगैरह और सकुलेंट्स वगैरह बहुत आसानी से कटिंग से भी लग जाते हैं, और वैसे भी ये बहुत जल्दी जल्दी ना मल्टीप्लाई होते जाते हैं,
तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास या किसी के पास हैं तो वो रिपोर्टिंग जब भी करेंगे आपको, आप उनसे मांग सकते हो और वो दे भी देंगे, इतने ज़्यादा कोई भी रख के क्या करेगा, है ना। तो इसलिए आप उनसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, बाटर सिस्टम, आप अपना एक दो दे दीजिए, उनसे एक दो दे दीजिए, तो इस तरह से आपके बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि मार्केट से हर वक्त खरीदते रहना पॉसिबल नहीं है, है ना, और कई बार क्या होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, है ना। तो फ्रेंड्स वगैरह के घर में तो आप देख ही लेते हो, तो वहाँ से अक्सर, मतलब मैंने तो इसी तरह से मेरे बढ़ाए, बहुत कुछ मैंने ख़रीदे भी हैं, है ना। अब ये वाला कैक्टस है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम क्या है, आपको अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। देखिए बहुत ऐसा है, ये भी सब रिपोर्टिंग कर रही हूँ ना, किसी के यहाँ से लाके मैंने छोटा सा लगाया था, तो ये नीचे नीचे ये हो गया, ऊपर ये चला गया, ये भी रिपोर्टिंग की है इसका टाइम। और ये वाला जो आप कैक्टस देख रहे हैं ये एचीवेरा है, एचीवेरा की मेरे पास कई वेराइटीज़ हैं, है ना, और ऐसे ही फ्लावर फ्लावर से इसमें आते रहते हैं। और देखिए, है ना, इसकी कई वेराइटी हैं, दिखाती हूँ मैं अभी आपको, एक ये है और एक ये है, इसमें वही सेम है लेकिन ये छोटा है, बहुत छोटा छोटा आता है, ऐसे ही देख रहे हैं ना, इसमें एक फूल भी खिलता है छोटा सा। ये भी सब ओवरग्रोन हो गए, है ना, ये भी एचीवेरा की ही वेराइटी है, देखिए आप इसमें, है ना, डिफरेंट है लेकिन है बहुत सुंदर। ये किसी से लिया ही हुआ है, देखिए मतलब अब ग्रो कर गए हैं तीन, लेकिन उस टाइम जब लिया था तो सिर्फ एक ही फ्लावर था ये वाला। ये जो देख रहे हैं आप, ये भी एचीवेरा ही है, एचीवेरा प्रिंस, है ना। और अभी धूप वूप नहीं निकली थी, आज बड़े दिनों के बाद निकली है धूप, तो ये सब ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है। अदरवाइज़ ये नीचे आप देख रहे हैं ना, मैरून सी, ऐसी डार्क मैरून सी पत्तियां हैं इसकी, और बहुत अच्छे से लग रहा है ये। ये हो गया इसको करीब 6-7 महीने हो गए, ये मैंने ख़रीदा था। ये जो देख रहे हैं ये भी एचीवेरा ही है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन एचीवेरा ही। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आसानी से लगते हैं, और छोटे छोटे पॉट्स में करके अलग अलग लगाओ तो सजे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी सकुलेंट की ही वेराइटी है, अभी ये सब फैल रहा है, देखिए ऐसी इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, और ये ऊपर से इसमें से लटकने लगता है। इसको भी मैंने ख़रीदा था, और वैसे इसके ये जो छोटे छोटे पर्ल्स हैं ना, बॉल्स, इनसे भी ये ग्रो कर जाता है ना। तो ये मैंने ख़रीदा था, तो बहुत मुझे समझिए बहुत ही सस्ता मिल गया था, 50 रुपीज़ का वो छोटा सा पैकेट था वो मिला था। और मैंने आपका ये वीडियो भी शेयर किया था जब मैंने लाया था, और फिर मैंने इसको लगाया था। इसमें देखिए अभी फ्लावर भी लग रहे हैं, है ना, और बहुत सारी इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं, तो ये भी बहुत सुंदर है। ये वाला जो सकुलेंट है, अब ये मुझे मालूम नहीं इसका नाम क्या है, है ना, लेकिन ये है बहुत सुंदर। और एक्चुअली ये इसका गमला वमला टूट गया था, और ये मैंने इसके लिए स्पेशल सॉइल बनाई हुई थी, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा भर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी अब ओवरग्रोन हो गया है, रिपोर्टिंग चाहता है, तो मुझे इसका नाम मत पता नहीं, मैंने आपको बताया है, और अगर आप किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे भी पता चल जाएगा ना इसका नाम क्या है। एक सीडम ये भी है ना, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, पॉट बहुत छोटा सा है, और ये भी मैंने ख़रीदा था तब बहुत छोटा सा था, एक ही इसमें बंच लगा हुआ था, एक छोटा बंच, और अभी देखिए कितना अच्छा हो गया, ये हो गया ना अच्छा, ये रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। अब इन सब के लिए ना मुझे लेने हैं शैलो और ब्रॉड, समझिए टब टाइप के छोटे या डोंगे टाइप के पॉट लेने हैं। अभी विंटर्स में जा नहीं पा रही हूँ, लेकर आऊँगी तभी सबको इकट्ठे करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रास सीडम, ये दो तरह की है, ये गोल्डन वाली है और ये ग्रीन वाली है ना, और दोनों बहुत भर जाती हैं, सब नीचे ऐसे लटकने लगती हैं, देखिए भर गया। ये भी बहुत छोटा सा बचा था, समर्स में ना इनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये बची गई थी, छोटे छोटे से पीस बचे थे, तो अब देखिए कितने अच्छे ग्रो कर गए। ये वाला जो पीरियड होता है ना इनका, ये ग्रोइंग टाइम होता है सभी कैक्टस एंड सकुलेंट्स का। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हावर्थिया, है ना, और ये इसमें तो ये उगाया है, मदर ऑफ थाउजेंड्स का प्लांट, ये इसके जितने भी आपको कट्स दिख रहे हैं ना, इन सब पे एक एक छोटा बेबी प्लांट लगा हुआ था, देखो दिखाती हूँ,
है ना। तो ये ऐसे ही गिरते रहते हैं अपने आप और जगह जगह उगते रहते हैं। तो ये जो इनका मेन प्लांट है उसमें से टूट के गिर गया होगा इसमें, तो इसमें ये उग गया, इनको भी निकालना है। ये भी जब लगाया था मैंने छोटा सा लेकर आई थी, किसी से लेकर आई थी, और अभी ये इसके दो हो गए और इसके और बढ़ गए, मतलब 5-6 हो गए इसके ये मेरे पास। इसमें हवर्थियाँ देखिए फ्लावरिंग हो रही है, ये ऐसी निकलती है इसकी स्टेमिना, और इसमें ये स्पाइक में ऐसे फ्लावर्स लगते हैं छोटे छोटे, दिख रहे हैं ना आपको। आज धूप निकली है तो कुछ कुछ चीज़ें खिल रही हैं, अदरवाइज कल तक कलियाँ बंद थी बिल्कुल प्लांट्स की। और ये तो आप सभी जानते हैं सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट है ना, बेस्ट एयर प्यूरीफायर, ये आप सब जानते हैं। इसकी मेरे पास छोटी वाली भी है बर्ड नेस्ट, वो भी दिखाती हूँ। ये वाली है मेरे पास बर्ड्स नेस्ट, ऐसे गोल गोल, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो मैंने कप में लगा रखा है ना। और ये एलोवेरा है, ये भी आप सब जानते हैं कैसे लगता है और इसके कितने ज़्यादा मतलब मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, सबको पता है, गार्डनिंग में भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है ना। और ये भी बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और बहुत ही ऑर्डनरी मिट्टी में लग जाते हैं ये, इसके लिए स्पेशल नहीं बनानी। तो फ्रेंड्स अभी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बन गई है ना। तो अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और आपको और दिखाऊंगी, हो सकता है पार्ट 3 भी बनाने की नौबत आ जाए। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।